वादी नीलम जो हसीन नज़ारे जो पेश कर रहे हैं, ये टूरिज़म के एतबार से बहुत ही एक जो पुरफजा मुकाम है। और इस वक्त हम जो केल के करीब खड़े हैं, ये जो नाले और नदियां हैं और ये जो पहाड़ हैं, ये सियाहों के लिए इस मौसम में और बेहतरीन नज़ारे पेश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वादी नीलम के बेशुमार जगह ऐसी हैं जो टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आएँ और इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और इसमें शारदा है, केल है, ताऊबट है, इसी तरह के बेशुमार जगह हैं जो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म के हवाले से बहुत मुफीद जगह हैं और टूरिज़्म के एतबार से लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। बड़ा खुशगवार, मोतदिल और ठंडा मौसम है जिसने हमारे दिलों को खुश कर दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सियाहों के लिए ये एक बेनज़ीर जन्नत है। वो यहाँ आए, यहाँ के मौसमों से, यहाँ के दूधिया पानी से और सरसब्ज शादाब वादियों जंगलात से पूरी तरह मुस्तफीद हों और यहाँ के ठंडे पानियों से और बहते झरनों से वो लुत्फानंदोज़ होंगे और पंजाब की गर्मी और सिंध की गर्मी उनकी फौरी दूर हो जाएगी। मेरे ख़्याल में नीलम वैली से ज़्यादा खूबसूरत कोई इलाका नहीं है। मैंने मरी भी देखा है, स्वात भी देखा है, लेकिन नीलम वैली का जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये अड़ंगकेल के करीब का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इस जैसा खूबसूरत इलाका मैंने आज तक नहीं देखा है। इसी तरह हम रती गली भी गए, हम बाबून भी गए और दीगर बहुत सारी जगहों पर शारदा में गए। इतना खूबसूरत एरिया इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। नीलम वैली आगे पता चला है कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है।